Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to DSA-One Course. और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम एरे की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम के बारे में, विच इज कॉल्ड स्टॉक्स बाय एंड सेल. और इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं. आज हम इसके एक वेरिएंट की बात कर रहे होंगे जिसके अंदर आप एक स्टॉक बाय एंड सेल कर सकते हो. इसके अंदर और भी वेरिएंट आता है जिसके अंदर होता है कि मल्टीपल स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हो, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे. और भी आते हैं कि एटमोस्ट टू, एटमोस्ट के, ये सब भी होते हैं. बट आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये है, स्टॉक्स बाय एंड सेल नंबर वन. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपको एक स्टॉक दे रखा है और उस स्टॉक के मल्टीपल दिन पर प्राइसेस बता रखे हैं. तो आपको ऑलरेडी फ्यूचर के प्राइसेस भी पता है. ठीक है, तो ये सपोज करो ग्राफ है, यहाँ पर प्राइसेस ऑफ स्टॉक है. ठीक है, कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है. और ये डेज है. रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है, आपको पता नहीं होता फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, वरना तो फायदा ही फायदा हो जाएगा. यहाँ पर लेकिन आपको पता है, पहले फ्यूचर के बारे में पता है कि स्टॉक के प्राइस किस दिन पर क्या रहने वाले हैं. आपका काम है, आप सिर्फ एक स्टॉक खरीद सकते हो और बेच सकते हो. ठीक है, तो आपको बताना कि किस दिन पे मैं खरीदूंगा और किस दिन पे मैं बेचूंगा, सो दैट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है. ठीक है, तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आता है वो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है. जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जब मैं यहाँ पर इसे खरीदूंगा और मैं यहाँ पर इसे बेचूंगा. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, थर्ड डे पर मैंने इसे खरीदा और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डे पर मैंने इसे बेच दिया, तो मुझे सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर दिख रहा है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम है. आपको बेसिकली एक एरे दे रखा होगा, उस एरे के अंदर आपको हर डे का प्राइस बता रखा होगा कि स्टॉक का प्राइस क्या रहने वाला है. और आपको फाइंड करना है कि मुझे स्टॉक को कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, सो दैट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको जरा सोचो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें स्टॉक के प्राइसेस दे रखे हैं अलग अलग दिन के अंदर. तो ये हमारे कुछ प्राइस हैं और हमें बताना है कि हमें कब खरीदना, कब बेचना, सो दैट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जब इसका प्राइस सबसे लोएस्ट है, यहाँ पर वन है, तब मुझे इसे खरीद लेना चाहिए. और जब इसका प्राइस नाइन हो रहा है तब मुझे इसे सेल कर देना चाहिए, सो दैट मेरा नाइन माइनस वन विच इज़ एट. ठीक है, एट का मुझे प्रॉफिट होगा. राइट, एट यूनिट्स का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हो जाएगा. तो आपको यही फाइंड करना है. बेसिकली आपको दिख भी रहा होगा कि मुझे मिनिमम यहाँ फाइंड कर लेना है कि मेरा मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है उसके बाद, और उन दोनों का जो माइनस होगा वही मेरा एक तरीके से आंसर होगा. ठीक है, बट यहाँ पर भी काफ़ी सारे कैचेस आ रहे हैं, क्योंकि आप पहले बेच के दोबारा में नहीं खरीद सकते. पहले आपको खरीदना पड़ेगा, पहले आपको बाय करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सेल. राइट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नाइन यहाँ पर है और वन यहाँ पर है तो आप नाइन में बोलो कि मैं बेच देता हूँ, वन पर खरीद लूँगा. ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले आपको खरीदना है, उसी के बाद आप उसे बेच सकते हो. राइट, ऐसा ही होता नॉर्मली भी. तो यहाँ पर भी वही है, काफ़ी सारे कैचेस हमें यहाँ पर दिख रहे होंगे. तो किस तरीके से इसे सॉल्व किया सकता है, यहाँ पर एक तरीका जो है, जो कि ब्रूट फोर्स है, हमेशा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को लेके आना जरूरी होता है. ठीक है, ब्रूट फोर्स इज ऑल्सो सॉल्यूशन, ये बात हमेशा याद रखनी है. तो ब्रूट फोर्स यहाँ पर कैसे हो सकता है, ब्रूट फोर्स हो सकता है बेसिकली आप हर एक डे पर जाओ और उस डे पर खरीदो और आगे वाले डेज का सोचो कि इस दिन बेचूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, और जो मैक्सिमम फायदा निकल के आ रहा है उसको स्टोर करते चलो. मतलब आप पहले थर्ड इस वाले डे पर गए जिस दिन प्राइस थ्री है, और उसके बाद वाले हर दिन चेक कर लिया कि मेरा फ़ायदा कब ज़्यादा से ज़्यादा होगा. तो थ्री के लिए चेक किया, फाइव का आ रहा है, फाइव माइनस थ्री टू, देन वन माइनस थ्री आ रहा है माइनस टू, देन सेवन माइनस थ्री आ रहा है फोर, इसका मतलब फोर ज़्यादा है. देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थ्री और नाइन ज़्यादा फायदा करेगा. देन आप आगे मूव कर जाओगे, फाइव पर मूव कर जाओगे, और फाइव के लिए चेक करोगे आगे वाले सारे सारे दिन, तो वन माइनस फाइव, देन सेवन माइनस फाइव, इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे. और इस तरीके से भी हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ पर वन और नाइन, नाइन माइनस वन भी हमें एक पॉसिबिलिटी मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो फॉर लूप्स लग रहे हैं. राइट, एक फॉर लूप लग रहा है आपका बाय के लिए, और इस फॉर लूप के अंदर एक और वाला, एक और फॉर लूप लग रहा है जिस दिन आप सेल कर रहे होगे. राइट, तो इनर फॉर लूप है और यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी वजह से बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है. राइट, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर अभी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, और फॉर श्योर हम इसको अभी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. ये तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था. इसको ऑप्टिमाइज़ करने के बारे में सोचो कैसे स्पेस यूज़ कर सकता हूँ मैं, कैसे मैं पहले आगे का पता लगा सकता हूँ, इस चीज़ों के बारे में सोचो. ठीक है, तो अगर आप लोगों ने स्पेस यूज़ करने के बारे में सोचा होगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमें कैसे भी करके आगे मैक्सिमम क्या रहने वाला है वो अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, हमें यहाँ खरीद के वहाँ बेचना है. राइट, तो स्पेस के अंदर स्टोर होना चाहिए कि आगे मैक्सिमम क्या रह सकता है. ठीक है, आगे मैक्सिमम कितनी वैल्यू रह सकती है, अगर वो हमें पहले ही पता चल जाए तो हम बहुत स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं पहले ही. वो कैसे पता चलेगा, सपोज करो आपने एक ऑक्सिलरी एरे बना लिया. राइट, इसका नाम देते हैं ऑक्स, और इसके अंदर हम कुछ प्री प्रोसेसिंग करेंगे. वो क्या कि हम यहाँ से लेकर राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकती है वो इसमें स्टोर करने लग जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ फाइव से लेकर आगे तक कितनी मैक्सिमम वैल्यू रह सकती है, तो फाइव रह सकती है. राइट, क्योंकि फाइव के आगे कुछ भी नहीं है, तो फाइव से लेकर आगे तक फाइव ही मैक्सिमम वैल्यू है. टू और फाइव में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो टू और फाइव में ये वाली फाइव ज़्यादा बड़ा है. देन सेवन टू फाइव में क्या बड़ा है, तो ऑब्वियसली सेवन बड़ा है. राइट,
तो ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं करंट नंबर और मैक्सिमम सो फार, मतलब प्रीवियस मैक्सिमम क्या है, दोनों में से जो बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा, राइट। तो सेवन और फाइव में कौन सा बड़ा है, सेवन बड़ा है। देन एट और सेवन में क्या बड़ा है, एट बड़ा है, तो एट यहाँ पर जाएगा। फोर और एट में क्या बड़ा है, तो एट बड़ा है, तो एट यहाँ पर होगा। देन एट यहाँ पर होगा। देन थ्री और एट में क्या बड़ा है, तो एट। तो ये मैंने प्री प्रोसेसिंग कर लिया और ये मैंने एक ऑक्सिलरी एरे बना लिया यहाँ पर, और अब मैं इसकी हेल्प से काफ़ी स्मार्ट डिसीजन ले सकता हूँ। कैसे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आगे बढ़ूँगा एक एक करके। तो पहले मैं इस वाले स्टॉक पर आया, स्टॉक प्राइस पर आया, तो यहाँ देखा मैंने थ्री है, और मैक्सिमम मैं आगे कितना मिल सकता है मुझे, मैक्सिमम मुझे दिख रहा है मुझे एट मिल सकता है। तो यहाँ से मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है एट माइनस थ्री विच इज़ फाइव, ठीक है। तो मैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट बना के चलूँगा जो कि मेरा आंसर भी होगा फाइनली। तो इसको मैं बोलूँगा कि ठीक है एट माइनस थ्री विच इज़ फाइव, तो ये फाइव रहेगा। देन मैं एक स्टेप आगे आऊँगा और अब यहाँ चेक करूँगा कि मेरा अभी इस प्राइस क्या है, तो वन है, और मैक्सिमम मुझे आगे कितना मिल सकता है, तो एट मिल सकता है, राइट। तो एट माइनस वन विच इज़ सेवन, तो सेवन मुझे मिल सकता है अगर मैंने वन वाले दिन ख़रीदा, और सेवन जो प्राइस आ रहा है वो बड़ा है मैक्सिमम प्रॉफिट से, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को हम अपडेट कर देंगे, हम बोलेंगे फाइव नहीं है ये सेवन है। देन हम ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेंगे। देन एट माइनस फोर विच इज़ फोर, तो फोर इज़ नॉट ग्रेटर देन सेवन, तो अभी भी हम बोलेंगे सेवन ही बड़ा है। एट माइनस एट विच इज़ जीरो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेवन माइनस सेवन कोई फ़ायदा नहीं है। टू और फाइव माइनस टू विच इज़ थ्री, तो कोई बड़ा नहीं है और आगे भी कुछ बड़ा नहीं है। तो आंसर हमारा आ गया सेवन, राइट। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ किया, हमने यहाँ पर स्पेस यूज़ किया है, और इसकी वजह से हमारा ये एक बिग ओ ऑफ एन के अंदर सॉल्व हो जाता है, राइट। तो हमारे यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ एन, बट यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्पेस यूज़ करना पड़ रहा है, हमें ऑक्सिलरी एरे भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है यहाँ पर बिग ऑफ एन। ऊपर वाले सोल्यूशन में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी कॉन्स्टेंट, तो अब हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज भी करना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर यही होता है, आपको धीरे धीरे करके बोलते रहेंगे वो कि इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो अब इसे और ऑप्टिमाइज कर कैसे कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि आप इसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर सॉल्व कर दो और स्पेस आपको कॉन्स्टेंट यूज़ करना है। तो अब ये रियल क्वेश्चन बचता है, और अब इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक सोचनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा जिससे सॉल्व हो सकता है, और ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला है। ज़रा सोचो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सोच पाए तो भी टेंशन मत लेना, थोड़ी सी यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी। बेसिकली इससे पिछले वाले मेथड में हमने क्या किया था, हम हर दिन खरीद रहे थे और हम देख रहे थे फ्यूचर में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है, ठीक है, फ्यूचर में क्या मैक्सिमम प्राइस है। इस वाले के अंदर हम इसका रिवर्स जाएंगे, इसका ऑपोजिट जाएंगे, हम बेसिकली देखेंगे कि हर दिन हम इसे सेल करने का ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि इससे पहले इसका मिनिमम प्राइस कितना था। क्योंकि सपोज करो मैं आज इसे बेचने आ रहा हूँ, तो इससे पहले जो मिनिमम प्राइस था उस पर अगर मैंने खरीदा होता तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता, राइट। तो किसी भी दिन पर पहुँच जाऊँगा मैं, सपोज करो मैं इस दिन पहुँच गया, तो इस दिन अगर मैं इसे बेच रहा हूँ तो मुझे अगर पता है कि इससे पहले मिनिमम प्राइस क्या था, जो कि ये वाला दिन था, तो मुझे पता है कि इस दिन बेचने पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, वो होगा सेवन माइनस वन विच इज़ सिक्स। तो यही एक ट्रिक है इसकी, हमें बेसिकली मिनिमम प्राइस सो फार एक जगह स्टोर करते चलना है और हर दिन बेचने का ट्राई करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो फाइनली रिटर्न कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हर दिन हम मिनिमम स्टोर करते चलेंगे, अभी मिनिमम क्या, मिनिमम है थ्री, तो मिनिमम सो फार हम स्टोर कर लेंगे, मिनिमम सो फार, तो अभी है थ्री। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे हम इसे बेचेंगे, ठीक है। तो इसी दिन अगर हम इसे बेचेंगे तो थ्री माइनस थ्री हमें प्रॉफिट मिलेगा जीरो, ठीक है। तो एक मैक्स प्रॉफिट भी बना के चलते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट फिलहाल हमें मिल रहा है जीरो। आगे बढ़ते हैं, अब मिनिमम क्या होगा, मिनिमम सो फार थ्री और वन में मिनिमम सो फार होगा वन, क्योंकि ऑब्वियसली वन इज स्मॉलर देन मिनिमम सो फार, तो मिनिमम सो फार हो गया वन। तो इसी दिन अगर हम इसे बेचने का भी ट्राई करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा अगेन जीरो, वन माइनस वन जीरो। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो अब देखते हैं मिनिमम कौन सा है। तो इन तीनों का मिनिमम अगर हमें देखना है तो मिनिमम सो फार और इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, तो वन और फोर में से कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली वन ही छोटा है। तो हम बोलेंगे ठीक है मिनिमम सो फार को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अभी क्या प्राइस है उस पर बेचने का ट्राई करते हैं। तो फोर माइनस वन हमें प्रॉफिट मिलेगा थ्री का, तो ये वाला इस मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है, जीरो से बड़ा है थ्री। तो हम बोलेंगे ठीक है थ्री, मतलब अगर हम यहाँ पे फोर पे बेचेंगे और इससे पहले जो भी मिनिमम था जो कि इस डे पे था उस पर अगर खरीदा होता तो हमें प्रॉफिट मिलेगा थ्री का। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस डे पर आते हैं, तो इस डे पर आए हम और अब देखेंगे कि क्या ये मिनिमम सो फार से छोटा है, तो नहीं, और प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो एट माइनस वन विच इज़ सेवन, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा है, तो हम यहाँ पे इसे अपडेट कर देंगे, बोलेंगे सेवन। देन हम आगे मूव करेंगे, हम आएंगे सेवन पे, हम चेक करेंगे कि मिनिमम सो फार कितना है, तो मिनिमम सो फार अभी भी वन है और सेवन माइनस वन हमारा सिक्स आ रहा है, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा था सेवन का, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, अभी भी ये सेवन रहेगा। देन ये आएगा टू, देन आएगा फाइव, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट आपका सेवन का सेवन ही रहेगा, और हम फाइनली रिटर्न कर देंगे कि सेवन मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन से। इसको आप मल्टीपल टेस्ट केसेस के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ ये टेक्निक इसकी यही रहने वाली है, बेसिकली दो वेरिएबल लेके चलने हैं, मिनिमम सो फार एंड मैक्सिमम प्रॉफिट,
और इससे हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉन्स्टेंट स्पेस के अंदर ये हो गया है और एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये सॉल्व हो गया है। इसका कोड बहुत सिंपल है, मैं जरा कोड करके बताता हूँ तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कोड कर दिया और बहुत ही सिंपल वही दो वेरिएबल लेके हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम सो फार क्या है, और बहुत ही सिंपल सा कोड है जो मैंने लॉजिक बताया था, सेम वही लॉजिक यहाँ पर मैंने कोड कर दिया है। इसको जरा ड्राई रन करते हैं, वो रहा हमारा एक एग्जांपल, और इसमें जरा ड्राई रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा होगा जीरो, मिनिमम सो फार होगा हमारा ए जीरो, तो ए जीरो है हमारा यहाँ पर फाइव, मिनिमम सो फार के अंदर होगा हमारा ए जीरो विच इज़ फाइव, ठीक है। अंदर जाएंगे हम चेक करेंगे मिनिमम सो फार मैथ डॉट मीन ऑफ मिनिमम सो फार एंड ए आई, ठीक है। तो अभी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइव से स्टार्ट करेंगे, तो फाइव और फाइव में क्या छोटा है, तो फाइव ही छोटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव। देन हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ए आई माइनस मिनिमम सो फार, तो मिनिमम सो फार है हमारा फाइव, तो फाइव माइनस फाइव मतलब फाइव वाले दिन ही हम इसे बेचने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा जीरो। तो हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर जो हमारे यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो, तो प्रॉफिट जीरो निकल के आ गया यहाँ पर, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अभी भी जीरो होगा। अब हम अगले डे पर मूव करेंगे, डे जहाँ पर उसका प्राइस टू है, और वहाँ पर चेक करें कि मिनिमम सो फार क्या है, तो मिनिमम सो फार होगा हमारा मैथ डॉट मीन ऑफ, अभी तक मिनिमम जो था हमारा फाइव था या फिर टू, दोनों में से कौन सा छोटा है, तो टू छोटा है, तो मिनिमम सो फार हमारा अपडेट हो जाएगा और हो जाएगा टू। देन प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो हम देखेंगे प्रॉफिट होगा हमारा ए आई माइनस मिनिमम सो फार, तो मतलब टू माइनस टू विच इज अगेन जीरो, तो प्रॉफिट हमारा अभी भी जीरो का जीरो ही रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी जीरो ही रहेगा। तो अब हम आगे अगले वाले डे पर मूव करेंगे जिस दिन इसका प्राइस है सिक्स, तो अब मिनिमम सो फार कितना है, तो मिनिमम सो फार हमारा टू या फिर सिक्स में से कौन सा छोटा है, तो टू ही छोटा है, तो मिनिमम सो फार हमारा अपडेट नहीं होगा। प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस टू विच इज़ फोर, फोर निकल के आ रहा है प्रॉफिट। हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो करंट प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में से बड़ा कौन सा है, तो जीरो और फोर में से कौन सा बड़ा है, तो फोर बड़ा है, तो हम बोलेंगे ठीक है मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से हमारा फोर निकल के आ रहा है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अब हमारा डे आ जाएगा वन, ठीक है, जिस दिन इसका प्राइस वन है, तो अब यहाँ पर देखिए मिनिमम सो फार क्या, तो मिनिमम हमारा अगेन टू या वन में से कौन सा छोटा है, तो वन छोटा है, तो हमारा मिनिमम सो फार हो जाएगा वन, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से कितना निकल के आ सकता है, तो वन माइनस वन, ठीक है, तो वन माइनस वन जीरो, और जीरो जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट से बड़ा नहीं है, तो अभी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो अब अगले डे पे मूव करेंगे, अगले डे पे हमारा प्राइस है फोर, तो प्राइस है फोर हमारा, मिनिमम सो फार हमारा फोर या वन में से कौन सा छोटा है, तो वन ही छोटा है, तो वो अपडेट नहीं होगा। प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तो फोर माइनस वन विच इज़ थ्री, और हम चेक करेंगे थ्री और फोर में से बड़ा कौन सा, तो फोर ही बड़ा है, तो हम बोलेंगे ठीक है अपडेट नहीं करते मैक्सिमम प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट फोर ही रहेगा, और फाइनली मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न हो जाएगा विच इज़ फोर। और कब आ रहा है ये, जब हम टू पर खरीद रहे हैं और सिक्स पर बेच रहे हैं, ठीक है, एक और चांस था हमारे पास खरीदने बेचने का वन और फोर पर, बट यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल के आता सिर्फ थ्री, तो हमारा यहाँ से जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ रहा है विच इज़ फोर, हम वो रिटर्न कर देंगे, और ये लॉजिक यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ऑफ एन, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है हमारी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये एक आइडियल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो इतना सही था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक से, और इसी के साथ हमारा स्टॉक्स बाय एंड सेल नंबर वन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसका सेकंड वेरिएंट देख लेंगे जहाँ पर हम जितने मर्जी स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अलग होने वाला है इससे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ ही चलते हैं, ये वाली वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलते हैं, बाय बाय।